हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं मोटोरोला एमपी साउंड एक्स वाइब 5.1 साउंड बार का डिटेल पे ऑडियो टेस्ट। दोस्तों इससे पहले वाले पार्ट में हमने इस मॉडल की पूरी अनबॉक्सिंग करी थी, डेमो दिया था, डिजाइन दिखाया था। सो अगर आपने फर्स्ट पार्ट को देखना होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर आप देख लीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम इस मॉडल का काफी डिटेल पे साउंड टेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसकी ऑडियो क्वालिटी टेस्ट करेंगे, अगर आप लोग म्यूजिक लिसनर है तो किस तरीके का परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। उसके बाद दोस्तों हम इसकी बेस क्वालिटी भी टेस्ट करेंगे, एंड अगर आप लोग बेस लवर हैं तो यार आपके लिए बढ़िया होगा या नहीं होगा वो चीज़ भी आपको पता लग जाएगी। लास्ट में दोस्तों हम इसको टीवी के साथ भी कनेक्ट करेंगे एंड डॉल्बी एक्सपीरियंस भी टेस्ट करेंगे, क्योंकि इस पर हमें डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट भी मिल जाता है। सो आज का साउंड टेस्ट दोस्तों काफ़ी तगड़ा होने वाला है, वीडियो का पूरे एंड तक देखिएगा। बाकी दोस्तों अभी इस मॉडल का करंट प्राइस चल रहा है 12,000 रुपीज़। अगर आपको ये मॉडल को परचेज करना होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं इस मॉडल का बेस्ट बाय लिंक दे दूंगा, जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों साउंड टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बता देता हूं, डिटेल में जानना होगा तो फर्स्ट पार्ट को ही देख लीजिएगा। दोस्तों इस मॉडल का जो पीक पावर है वो हमें 500 वॉट की मिलती है, पीक पावर है, आरएमएस नहीं है। दोस्तों आरएमएस जो होगी इसकी वो अराउंड 250 की होगी। सो आप इस पर कंफ्यूज मत करिएगा, आपको ऐसा लगे कि अरे 500 वॉट्स आरएमएस का है तो ये चीज नहीं है, क्योंकि फ्लिपकार्ट पर मेंशन करा गया है 500 वॉट केवल। एंड हमने जब इसका यूजर मैनुअल देखा था तो उस पर पीक पावर लिखी हुई थी। सो इसकी जो एक्चुअल आउटपुट है वो 250 वॉट की है। एंड दोस्तों इस पर हमें 10 ड्राइवर्स मिल जाते हैं, यानी कि 6 ड्राइवर्स हमें साउंड बार पर मिलते हैं एंड 2 ड्राइवर्स हमें रियर स्पीकर यानी कि सैटेलाइट स्पीकर पर मिल जाते हैं। एंड सभी पे दोस्तों 2.25 इंचेस के ड्राइवर मिलते हैं। दोस्तों इस पर हमें डाउन फायरिंग सबवूफर मिल जाता है एंड दोस्तों इसका साइज है 6.5 इंचेस का। बाकी दोस्तों अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो इस पर हमें ब्लूटूथ, यूएसबी, ऑक्स, एचडीएमआई, एआरसी, ऑप्टिकल ये सब की कनेक्टिविटी मिल जाती है। सो सबसे पहले दोस्तों हम इस मॉडल की ऑडियो क्वालिटी टेस्ट कर लेते हैं। अगर आप लोग म्यूजिक लिसनर हैं एंड आप इस मॉडल को परचेस करने की सोच रहे हैं तो किस तरीके का परफॉर्मेंस मिलेगा। बाकी दोस्तों जल्दी हम इस मॉडल का हिंदी पे भी साउंड टेस्ट लेकर आएंगे इंस्टाग्राम पर, सो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक दे दूंगा। तो चलिए अपने हेडफोन्स का यूज करिए एंड अपने साउंड टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने इसका ऑडियो टेस्ट आपको काफ़ी डिटेल में करवा दिया है। आई थिंक आपको पता लगा होगा कि यार अगर आप लोग म्यूजिक लिसनिंग के लिए इस मॉडल को परचेस करते हैं तो परफॉर्मेंस कैसा मिलेगा। दोस्तों हमने इसका पूरा बर्निंग पीरियड कंप्लीट कर लिया है एंड हमने इसे लाइव एक्सपीरियंस करा है। सो उस हिसाब से मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। अगर आप लोग म्यूजिक लिसनर हैं तो यार डेफिनेटली आप इसे परचेस कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी हमें इस पर मिलती है, डिस्टॉर्शन फ्री साउंड है। अगर आप इस पर मैक्स साउंड भी खोल देंगे तो साउंड क्रैक नहीं करता है, ये चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगी है इस मॉडल की। साथ में दोस्तों यार जो क्लियरिटी होती है ना वो चीज़ भी आपको फील होगी, मतलब इंस्ट्रूमेंट हो चाहे वोकल्स हो हर एक चीज़ आपको क्लियर सुनाई देगी, मतलब नोट्स इस पर काफ़ी क्लियर सुनाई में हमें मिलते हैं। सो दोस्तों यार मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मतलब अगर हम इससे पहले वाले मॉडल की बात करें मोटोरोला एमपी साउंड एक्स 400 वॉट, दोस्तों उस मॉडल को भी हमने टेस्ट करा था। उस मॉडल से इस मॉडल पर यार दोस्तों साउंड में थोड़ा इंप्रूवमेंट करा गया है एंड ये चीज दोस्तों जब हमने लाइव सुना है तभी हम आपको बता पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा है आप सोच रहे होंगे कि यार 400 की बात तो मैं कर रहा हूं, क्योंकि उससे दोस्तों हमने पिछले साल टेस्ट कर लिया था, उस हिसाब से आपको बता रहा हूं। इस मॉडल की जो ऑडियो क्वालिटी है काफी अच्छी है, अगर आप लोग म्यूजिक लिसनर हैं तो डेफिनेटली इसे परचेस कर सकते हैं, मिड्स हाइज आपको काफी बढ़िया इस पर मिलेंगे।
अब दोस्तों इसका थोड़ा बेस टेस्ट कर लेते हैं एंड देखते हैं कि यार बेस पे किस तरीके का परफॉर्मेंस हमें मिलता है। सो हम इसके सबवूफर को कॉम्पैक्ट एरिया में रखते हैं एंड आप लोग प्लीज अपने हेडफोन्स का यूज करेगा, तभी आपको एग्जैक्ट में पता लगेगा कि यार इस मॉडल पर बेस क्वालिटी कैसी हमें मिलती है। सो इसका बेस टेस्ट करते हैं फिर अपना एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट आपको बताते हैं। बेस टेस्ट भी हमने करवा दिया है एंड आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि यार इस मॉडल की बेस क्वालिटी भी कैसी हमें मिलती है। वैसे दोस्तों जब हमने ऐसे खुले में रखा था ना तो इतना फील नहीं हो रहा था क्योंकि ये जो मॉडल है लाउड भी बहुत ज्यादा है। जैसे हमने इसे ग्राउंड पे रखा ना जलवा जो इसके बेस का था ना वो फील हो गया, मतलब यार दरवाजे खिड़की फ्लोर सब कुछ शेक कर दिया था एंड जो थंप था ना दोस्तों बेस में वो भी काफी तगड़ा हमें मिल जाता है। मतलब कि अगर आप लोग बेस लवर है ना तो डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं, कोई भी कमी आपको नहीं मिलेगी। बस क्या है कि इसके सबवूफर को कॉम्पैक्ट एरिया में रखेगा। अब ये वायरलेस तो नहीं है, जितनी इसकी लंबी वायर होगी आप उसी हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं, बट जितना मैंने एक्सपीरियंस करा है आप इसके सबवूफर को या तो फ्लोर पे रखिएगा एंड थोड़ा कॉम्पैक्ट स्पेस पे रखिएगा, आपको मजा मिल जाएगा, मतलब लगेगा कि यार है कुछ तगड़ी चीज ये। एंड दोस्तों बेस जो है ना इसका फटता भी नहीं है, मतलब अगर हम मैक्स भी खोल देंगे ना तो बेस बिल्कुल क्रैक नहीं करेगा इसका, ये चीज भी मुझे काफी बढ़िया लगी है। सो बेस लवर्स के लिए भी बढ़िया है, म्यूजिक लिसनर के लिए भी ये मॉडल बढ़िया है। अब दोस्तों इसका फाइनल टेस्ट कर लेते हैं यानी कि टीवी के साथ इसे कनेक्ट कर लेते हैं एंड इस पर हमें डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट मिल जाता है। सो हम अमेजॉन प्राइम पर एक मूवी चलाते हैं, इसके जो रियर स्पीकर हैं इन्हें बैक साइड पर ही रखते हैं, सबवूफर एंड साउंड बार को आगे रख लेते हैं एंड देखते हैं उसके बाद परफॉर्मेंस कितना बढ़िया हमें मिलता है। सो प्लीज आप लोग अपने हेडफोन्स का यूज करेगा, आपको एग्जैक्ट में पता लगेगा, मतलब एग्जैक्ट में तो नहीं कहूंगा क्योंकि 5.1 का सपोर्ट यूट्यूब पर हमें देखने को नहीं मिलता है, आपको तो स्टूडियो इफेक्ट मिलेगा, बट जो मेरा लाइव एक्सपीरियंस होगा वो चीज मैं टू बी ऑनेस्ट आपको बताऊंगा। अगर मूवी वॉचिंग करते हैं तो उसके लिए बढ़िया रहेगा या नहीं रहेगा, तो चलिए इसे टीवी वाले सेटअप पे लेके चलते हैं। तो दोस्तों हमने अपने सिस्टम को टीवी वाले सेटअप पे पूरा कनेक्ट करके रख लिया है। दोस्तों देखिए सबवूफर तो वैसे हमने ग्राउंड पे रखना था बट यार क्या था ना ये वायर्स बहुत दिख रही थी तो वीडियो में काफी ज्यादा गंदा रख रहा था, सो इसलिए हमने इसे ऐसे रख दिया। बट आप जब इसे अपने रूम पे कनेक्ट करेंगे तो इसके सबवूफर को ऐसी टेबल के नीचे डाल दीजिएगा या ऐसे कॉम्पैक्ट में भी रख सकते हैं, जिससे क्या है कि इसका बेस जो है ना काफी बढ़िया मिलेगा क्योंकि डाउन फायरिंग सबवूफर हमें इस पर मिलता है। एंड दोस्तों जो रियर स्पीकर्स मिलते हैं सराउंड वाले वो हमने देखिए बैक साइड पे कनेक्ट करे, यहाँ पर मैं बैठूंगा एंड देखिए राइट लेफ्ट के हिसाब से हमने इन्हें कनेक्ट करके रख लिया है। अब दोस्तों देखिए हमने अमेजोन प्राइम पर मूवी चला रखी है फास्ट एंड फ्यूरियस एंड ये जो मूवी है दोस्तों डॉल्बी डिजिटल प्लस को सपोर्ट कर रही है, तो चलिए इसे प्ले करते हैं एंड थोड़ा मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, बाकी आप लोग भी हेडफोन में एक्सपीरियंस करिए, उसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट आपके साथ शेयर करूंगा। गाइस सॉरी यार थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करा साउंड टेस्ट में, हमने एक चीज बड़ी अच्छी नोटिस करी है सर, थोड़ा सा कैमरे को साइड दिखाइए, ये जो एक्शन सीन चल रहा है मतलब गाड़ी पलटेगी एंड दोस्तों गाड़ी जब पलटेगी ना तो साउंड जो है ना जब गाड़ी पूरी क्रैश हो जाएगी तो साउंड ऐसा है आगे से पीछे आ रहा है, तो वो चीज का फील लीजिए, पहले सर आगे रख दीजिए फिर उसके बाद जब वो पलटेगी तो उसके बाद आप पीछे करिएगा ताकि यहाँ की आवाज समझ में आए। तो दोस्तों हमने इसे टीवी के साथ भी कनेक्ट करके पूरा टेस्ट आपको करवा दिया है, डॉल्बी ऑडियो का एक्सपीरियंस हमने लिया, थोड़ा आपको भी रिकॉर्ड करके दिखाया, मेरे हिसाब से हेडफोन में तो वो आपने फील नहीं लिया होगा बट दोस्तों मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट बताऊंगा। मतलब दोस्तों अगर आपको सराउंड साउंड का इफेक्ट चाहिए तो यार ये साउंड बार काफी बेस्ट होने वाला है, ऑडियो सेपरेशन इस पर काफी कमाल का वर्क करता है, मतलब आपको मजा आ जाएगा, राइट लेफ्ट से आवाज़ें आ रही हैं, आगे से आवाज़ आ रही है एंड आप ऐसा लगेगा कि यार मूवी में इन्वॉल्व हो गए हैं जितना मैंने एक्सपीरियंस करा। दोस्तों डॉल्बी ऑडियो के लिए तो ये साउंड बार बेस्ट ऑप्शन है, आप परचेस कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहा है। साथ में दोस्तों यार एक ड्रॉबैक मुझे
और लगा है वो चीज़ भी मैं क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों हमें रियर स्पीकर के साउंड को एडजस्टमेंट करने के लिए रिमोट पे ऑप्शन नहीं मिलते हैं, मतलब ये चीज़ मुझे थोड़ी सी ड्रॉबैक लगी है। रियर स्पीकर एंड साउंड बार की वॉल्यूम को भी अगर हम सेपरेटली एडजस्ट करते तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा और अच्छे तरीके से हम कस्टमाइज़ कर सकते थे, तो वो चीज़ इन्होंने नहीं दे रखी है। केवल हम बेस एंड ट्रेबल को ही एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये भी मुझे थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा है। वैसे ये चीज़ मैंने आपको अनबॉक्सिंग वीडियो में भी बताई थी एंड इस वीडियो में भी क्लियर कर दी है। बाकी दोस्तों यार अगर मैं फुल एंड फाइनल आंसर आपको बताऊँ ना, आपको ये मॉडल को परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दोस्तों 12,000 की रेंज में काफ़ी बेस्ट मॉडल है, डेफिनेटली आप इस मॉडल को परचेज कर सकते हैं, परफॉर्मेंस आपको ऑल ओवर बढ़िया ही देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों यही था मेरा लाइव एक्सपीरियंस जो कि मैंने टू बी ऑनेस्ट आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहेगा तो जरूर से मेरे से पूछ लीजिएगा। सो यार आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर से वीडियो को लाइक करिए। अगर आप लोग हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों प्लीज़ अपना सपोर्ट बना के रखिएगा, क्योंकि यार ये सारे मॉडल्स हम खुद परचेस करते हैं, हमें कोई भी स्पॉन्सर नहीं होता है, सो सपोर्ट बना के रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।